हम लोग जा रहे हैं आज गोरखनाथ मंदिर और ये को बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा। ये है गोरखनाथ मंदिर का मेन गेट, यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे। और ये सब यहाँ पे लड्डुओं की दुकानें हैं, तो यहाँ से हम लोग प्रसाद लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे गोरखनाथ बाबा के दर्शन करने। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से प्रसाद लेने। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी के लड्डू लगे हुए हैं। और ये इसका है मेन एंट्री गेट गोरखनाथ मंदिर का। अभी मैं और पास से दिखाऊंगी आप लोगों को। और यहाँ से हम लोग एंटर होंगे मंदिर के अंदर। और देखिए ये है मंदिर का नज़ारा इतनी दूरी से, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो ज़रूर आती हूँ इस मंदिर में। गार्डनिंग हो रखी है। और ये है भव्य मंदिर के दर्शन। और मैं अब जा रही हूँ मंदिर के दर्शन करने। ये मैं मंदिर के बाहर निकल चुकी हूँ और ये देखिए मंदिर के बाहर का नज़ारा। कुछ ये मैंने अपने माथे पे लगा रखा है, ये धुनी है और ये धुनी की बड़ी मान्यता है यहाँ पे। इसको गोरखनाथ बाबा का आशीर्वाद माना जाता है। मिलती है और कहा जाता है कि ये अग्नि ऐसे ही प्रज्वलित रहती है, यहाँ पे जलता रहता है ये इसी तरीके से हमेशा। यहाँ पर अगर आप आते हैं गोरखपुर कभी भी तो इस मंदिर में ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि बहुत ही सुंदर जगह है, यहाँ पे आपको बहुत शांति मिलेगी। ये देखिए मैं यहाँ पर शूज़ पहनने आई हूँ और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रसाद खाया जा रहा है। मैं रह नहीं पाई इसलिए मुझे खाना पड़ा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं खुशबू? हम लोग बोटिंग करने वाले हैं और उसमें भी बहुत मज़ा आने वाला है। जैसे मैंने लड्डू खाया बहुत मज़ा आया, वैसे बोटिंग में भी बहुत मज़ा आएगा। और मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप सब भी आइए, स्पेशली खिचड़ी के मेले में। थोड़ा सा माहौल अलग होता है यहाँ का, बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं। आइए यहाँ पे घूमिए और इन्जॉय करिए हम लोग की तरह। खुशबू तो आज मैंने फाइनली इसको मना लिया, ये बिल्कुल भी नहीं आती है बोटिंग करने, बिल्कुल पसंद नहीं है। बट मेरे लिए बहनों के लिए करना पड़ता है, बिल्कुल मेरे लिए आई है क्योंकि ये भी मेरे लिए रुक गई आज इसलिए मुझे करना पड़ा, बिल्कुल करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। और ये देखो ये भैया चला रहे हैं, बहुत अच्छा चला रहे हैं ये भैया। यहाँ पर आप बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। Thank you.
अब हम लोग दर्शन कर चुके हैं, अब इसके बाद हम लोग जा रहे हैं मेले में, खिचड़ी के मेले में। गलत बताया इसने। हाँ, खिचड़ी के मेले में। हमारी यूपी में मकर संक्रांति को खिचड़ी के रूप में मनाया जाता है। खिचड़ी हम लोग के घर में बनती है। यहाँ पे घर घर में सभी लोग खिचड़ी बनाते हैं और बनाने के बाद सभी आराम से बैठ के उसको खाते हैं, दही और स्पेशली मूली के साथ सब लोग खाते हैं। यहाँ का घर घर ये चीज़ फेमस है। हम लोग यहाँ से बाहर निकल चुके हैं और ये आप लोग यहाँ बाहर का व्यू देख सकते हैं। जब भी आप लोग गोरखपुर आएँ तो इस मंदिर में ज़रूर विज़िट करें और मुझे यकीन है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, आपने एंजॉय किया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।